लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। स्वाध्याया दशाचार्य आचार्या दशतं पिता पितुर्दशतं माता न परात अपरं क्वचित। बालको, तुम लोग कौमुदी का अध्ययन करो, मैं स्नान करने जा रहा हूं। हरिओम 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 हरिओम। दुष्ट, सच कहा गया है, स्वभाव गुण जल्दी नहीं छूटते। क्या हुआ गुरुदेव? बेटा, आश्रम में एक चूहा आ गया है, वो फल फूल तो कुतर कर नष्ट कर ही देता है, आज मेरे वस्त्र भी कुतर कर नष्ट कर डाले। तुम उसे पकड़कर कहीं दूर छोड़ाओ। जैसे आपकी आज्ञा। क्षमा क्षमा प्रभु, क्षमा कीजिए। बता कौन है तू? प्रभु, मैं क्रौच नाम का गंधर्व हूं। ईर्ष्या में आकर मैं अपने आप को ऋषि वामदेव से भी बड़ा समझने लगा था। जब मैंने उस महान आत्मा को ठोकर मारी, उसी समय उसने मुझे श्राप दिया कि तुम ईर्ष्या के अधीन हो, इसलिए मूषक बन जाओ और ईर्ष्या में कुतर कुतर के अपना सारा जीवन व्यतीत करो। जबी तो मेरे गुरु के वस्त्र कुतर डाले। यदि मैं ऐसा ना करता तो आप मेरा उद्धार कैसे करते प्रभु? नहीं नहीं, ऋषि के श्राप से मैं तुझे मुक्त नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, सारे ब्रह्मांड में आपकी तुलना नहीं। ये बात आपके अद्भुत शरीर से ही स्पष्ट है। वो कैसे? प्रभु, सारा देवलोक ये कहता है कि आपके विशाल सर का रहस्य ये है कि सर वो बड़ा जो हर छोटी सी बात को बड़े विचार के साथ सोचता है और स्वयं अपने आप को बड़ा नहीं समझता। आपकी छोटी छोटी आंखें ये ज्ञान देती है कि हर वस्तु को ऐसे देखो जू देखे गजराज, सम्मान करो हर का, हो चूटी या वनराज। सत्य है। और सुहाने सून का महत्व ये है, जहां ये बड़े बड़े वृक्षों को कुचल डालती है, वहां एक हल्के से तिनके को भी उठा लेती है, और यही साहस का रूप है प्रभु। ये भी सच कहा तुमने। और प्रभु, बड़े पेट का अर्थ यह है कि किसी को भी पेट का हल्का नहीं होना चाहिए। जभी तो आपने ईर्ष्या को वश किया है। प्रभु, अब मुझे अपना वाहन बना लीजिए, मेरा भी उद्धार हो जाए। ये कैसे हो सकता है? मंगल मूर्ति गजानन, यदि एक ऋषि को पाँव लगने से एक गंधर्व मूषक बन सकता है, तो एक मूषक सर्वशक्तिमान गजानन का वाहन बनकर क्या नहीं बन सकता? बड़े चतुर हो, मुझे भी ठग लिया। ये कहिए प्रभु कि मैंने अपने मोक्ष का मार्ग पा लिया। आइए गजानन, मुझे अपना वाहन बना लीजिए। जय गजानन, जय श्री गणेश। ये ओ मस्त। गजानन, आज से तुम गणों के नायक बनाए गए, अब तुम्हारा धर्म है संसार का कल्याण करना। जो आज्ञा पिताजी। गणराज श्री गणेश की जय। धन्य हो गजानन, भोलेनाथ ने तुम्हें गणनायक बनाकर बड़ा उचित काम किया है। तुम्हारे जैसा विद्वान, कृपानिधान, बलवान तथा सुंदर और कौन हो सकता है?
सुमेर की सुंदरता भी बलिहारी है गजानन पर। विश्व मोहिनी भी सुदबुद भूल गई। सत्य है, गजानन का रूप महान है, इंद्रधनुष भी निछावर है। क्यों चंद्रदेव? इसे कहते हैं झूठी प्रशंसा। अगर सुंदरता इसी का नाम है तो मैं ही क्यों ना अपना मुंह छुपा लूं। चंद्रदेव, इतना अभिमान, तुम्हें अपने रूप पर इतना गर्व है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम क्रूर हो जाओ। ये क्या हुआ, चंद्रदेव काले पड़ गए? ये कैसा अनर्थ हो गया? भोलेनाथ, चंद्रमा की कालिमा से कैलाश ही नहीं तीनों लोक कलंकित हो जाएंगे। हाँ भगवंत, जल से शीतलता, पवन से नम्रता छीन लेने से पृथ्वी विशेलित हो जाएगी। प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ गजानन, मुझे क्षमा कर दीजिए। दिया हुआ श्राप किसी ना किसी रूप में पूर्ण होकर ही रहेगा। माता, जगत जननी, मैं भी आपका पुत्र हूँ, गजानन से कहिए मुझे क्षमा कर दे। माँ, पुत्र, तुम दया के सागर हो, चंद्रदेव को क्षमा कर दो। गजानन, अपराधी के लिए क्षमा से बढ़कर कोई दंड नहीं होता। जो आज्ञा, परंतु श्राप का कलंक अवश्य रहेगा, मैं चंद्रदेव को क्षमा करता हूँ। किंतु जो भी भाद्रपद की चतुर्थी को चंद्रमा को देखेगा उसे कलंक अवश्य लगेगा। प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। कौन सा कष्ट आ पड़ा है आप लोगों पर? प्रभु, अनलासुर ने मेरा इंद्रासन छीन लिया। वो अजय दैत्य खोज खोज कर देवताओं का वध कर रहा है, जिसे देखता है उसे ही जलाकर भस्म कर देता है। हम हार कर आपकी शरण आए हैं प्रभु। निर्भय रहिए, मैं आप लोगों का दुख अवश्य दूर करूंगा। बड़ा विचित्र बालक है, जान पड़ता है मेरा ये भयंकर रूप देखकर डर गया। Thank you.
असुर, अब मेरे हाथ से बचकर तू नहीं जा सकता। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। तूने निर्दोष देवताओं के प्राण लिए हैं। मैं तुझे निगल जाऊंगा। बेटा, निर्दोष देवताओं का दुख निवारण करने के लिए तुमने अनलासुर का नाश किया, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपनी ओर से ये नाग देता हूँ जो विष को चूस कर शरीर को निर्विकार करता है। मैं शांति और प्रेम का प्रतीक ये शीतल कमल भेंट करता हूँ। मैं इंद्रियों को वश में रखने वाला ये अंकुश देता हूँ। मैं आपके भाल पर शांति और शीतलता का प्रतीक भालचंद्र स्थापित करता हूँ। मैं आप लोगों के इस उपहार का आभारी हूँ। किंतु मेरी अंतरदा शांत नहीं हुई पिताजी। धीरज रखो बेटा, ऋषि लोग दूर्वा लेकर आते ही होंगे। दूर्वा प्रस्तुत है प्रभु। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। मेरी अंतरदा शांत हो गई पिताजी। उसी दिन से दूर्वा से श्री गणेश की पूजा की जाती है। जो 21 दूर्वा चढ़ाकर श्री गजानन की पूजा करते हैं उन्हें मनोवांछित फल मिलता है। लीजिए दूर्वा, 21 21 दूर्वा हम सब की तरफ से चढ़ाकर श्री गणेश की पूजा आरंभ कीजिए।